Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel Tarot with Shivi 888. गाइस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा, जितना आपसे रेजोनेट हो से रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइज एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी, और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके सो लेट स्टार्ट योर रीडिंग। ओके सो आज की जो रीडिंग है गाइज वो ये होने वाली है कि अचानक क्या हो सकता है इस हफ्ते में। और मेरा एक और न्यू चैनल है साइकिक टैरो शिवी 888 के नाम से, सो गाइज आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेट्स सी स्टार प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, अचानक क्या हो सकता है इस हफ्ते में मेरे व्यूअर्स के साथ। सन डेविल व्हील ऑफ फॉर्च्यून फूल और डेथ एम्परर। सो इस हफ्ते में गाइस स्ट्रांगली जो मैं फील कर पा रही हूं वो ये है कि यहां पर कार्ड है डेथ और डेविल का, ठीक है। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी का अंत इस हफ्ते में हो सकता है, ठीक है। अब ये क्या है, हो सकता है गाइस कि इस हफ्ते में आपकी लाइफ में ऐसे कुछ रिलेशनशिप, ठीक है, ऐसे कुछ फ्रेंड्स जो आपको डिजर्व नहीं कर रहे हैं या फिर आपकी यू नो आपकी सोल ग्रोथ में रुकावट बन रहे हैं, ऐसे कुछ लोग आपकी लाइफ से निकल जाएं। डेविल की डेथ हो रही है यहाँ पे इस हफ्ते में, तो हो सकता है कि कुछ नेगेटिविटी जो आपको नहीं पता कि कौन आपके लिए नेगेटिव है, कुछ लोग ऐसे आपके आसपास आपके अराउंड हो सकते हैं जो आपके लिए जो नेगेटिव है बट आपको नहीं मालूम, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं जो आपके लिए बेकार है लेकिन आप फिर भी उन हैबिट्स को छोड़ना नहीं चाहते, उनका अंत, ठीक है। तो यहां पर स्पेशली नजर आ रहा है कि जो भी चीजें आपको सर्व नहीं कर रही उनका अंत, चाहे वो आपकी बैड हैबिट्स हो, बैड लोग हों या फिर कोई भी हो। ओके दूसरा यहां पर स्पेशली नजर आ रहा है क्योंकि आपका जो टाइम चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में जो चीजें आपकी लाइफ में आपकी सोल ग्रोथ पर रुकावट बनेंगी वो यूनिवर्स की तरफ से हटा दी जाएंगी, ये चीज है यहां पे। ऑल्सो सन और फूल का कार्ड है तो मुझे लगता है कि यहां पर सन कार्ड आया है तो किसी चीज में आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। अगर आप यू नो किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे गाइस तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जॉब आपको मिलेगी इस हफ्ते में, कोई रिजल्ट अगर आपका आ रहा है क्योंकि सन कार्ड है विद फूल तो यहां पर डेफिनेटली किसी चीज में आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी लव लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, एक नया स्टार्ट ले सकते हैं, पुरानी सारी बातों को भूल कर दोबारा से अपने पर्सन के साथ एक न्यू कनेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोग के लिए यहां पर एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है करियर में, आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, किसी कोई नई फील्ड आप चूज कर सकते हैं, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे किसी तरीके का उजाला रोशनी जहां पर आपको लगे कि ये पाथ मिल गया, यहां पर आगे बढ़ने से मेरी बहुत ग्रोथ होगी, सक्सेस मिलेगी, करियर में ग्रोथ होगी, तो ऐसी किसी जगह पर मुझे आप न्यू बिगिनिंग करते हुए नजर आ रहे हो इस हफ्ते में, ठीक है। बहुत सारे लोग अगर जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये चीज नजर आ रही है कि इस हफ्ते में जो रिजल्ट आ रहे हैं आपके फेवर में आए। यहां पर स्टार और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ की डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की, क्योंकि डेविल की डेथ हो रही है तो गुड लक आपके फेवर में है, ठीक है। डेविल की डेथ हो रही है तो कुछ लोग कार्मिक साइकिल को रिलीज करेंगे यहां पर पूरी तरीके से, और ये जो है गुड लक आपके फेवर में आ रहा है। तो स्टार कार्ड के साथ आपकी कोई भी विश जो आप बहुत लंबे टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे वो पूरी हो सकती है, और बहुत सारे लोग के लिए वो काउंटर पार्ट है उनके,
ठीक है, क्योंकि आप अपने काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से आप अपने डिवाइन पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वही आ रहे हैं। जो भी कार्मिक है वो रिलीज हो जाएगा, भले आपको कितना भी अटैचमेंट हो उस व्यक्ति के साथ। जो भी कार्मिक है, जो आपकी सोल ग्रोथ में रुकावट बन रहे हैं, जो आपकी सोल के लिए सही नहीं है, वो लाइफ से आपके निकल जाएंगे, कट ऑफ होंगे। भले आप उनको कितना भी मांगे डिवाइन के साथ कि दीजिए दीजिए, पर वो नहीं मिलने वाले, क्योंकि जो डेविल है आपकी लाइफ में आपको नहीं पता है। आप तो सबको अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम कि कौन डेविल है। जो भी है वो निकलेगा, और जो काउंटर पार्ट, रियल काउंटर पार्ट है, जो वास्तव में डिजर्व करता है आपकी लाइफ में रहना, वो आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाला है या वाली है। ठीक है, अब ये हो सकता है आप मिल चुके हो सकता है ना मिले हो। तो ये चीजें इस हफ्ते में स्ट्रांगली नजर आ रही हैं। इंस्टिंक्ट, यहाँ पर तीन कार्ड मिरेकल, गिल्ट, वर्कहॉलिक, परसीवेरेंस, बैलेंस, सर्विस, सेल्फ वर्थ। रिन्यूअल जॉय। मैंने क्या बोला गाइस, डेस्टाइन पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आ रहे हैं। यहाँ पर विक्टिम है और यहाँ अबंडेंस भी है। ये दोनों कार्ड्स लूंगी मैं। विक्टिम तू रहने दे, बता क्या जरूरत है तेरी आने की। डेस्टिनी एंड अबंडेंस। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसी पॉजिटिव कार्ड आते हैं तो मुझे रीडिंग करने में इतना अच्छा लगता है कि मेरे व्यूअर्स खुश हैं, अपनी लाइफ में खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर इंट्यूशंस के साथ बैलेंस करोगे इस हफ्ते में। इंस्टिंक्ट का कार्ड है और बैलेंस का कार्ड है, तो आपको बैलेंस बनाने में कौन मदद करने वाला है? आपकी इंट्यूशंस। क्योंकि अब जिस तरीके से आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है, जितना आपकी सोल की ग्रोथ होगी उतने ही क्लियर आपको आपके इंट्यूशंस सुनाई देंगे। तो यहाँ पर आप बैलेंस क्रिएट करेंगे अपने इंट्यूशंस के बेसिस पे। हालांकि इस हफ्ते में डेविल का अंत है, तो इस हफ्ते में मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी घेरेगी, आप पॉजिटिव रहने वाले हैं। बहुत सारे लोग यहां पर अगर किसी को सर्विस दे रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, तो एक मिरेकल तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली एक मिरेकल तो बनता है। एक क्या हो सकता है, चार पांच मिल जाए, मैं तो करीब 20-25 मिल जाए, हजारों मिल जाए, लेकिन एक तो डेफिनेटली है ना। एक एक पे तो हक है ना, तो मतलब वो है यहाँ पे मिरेकल है। और ये अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ होगा इस हफ्ते में। सर्विस कार्ड दिखा रहा है कि ये आपका रिजल्ट होने वाला है। आप जो भी लोगों की मदद कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप सर्विस दे रहे हो, या फिर आप कुछ भी नहीं कर रहे ना गाइस, तो भी आप गुड कर्मा क्रिएट करने के लिए आप एनिमल्स को खाना खिला सकते हैं सुबह शाम, या बर्ड्स को खाना रख सकते हैं। अगर आप बर्ड्स को खाना रखते हैं तो आप पितरों को खुश कर रहे हैं, बेसिकली आप अपने एंसेस्टर्स को बहुत खुश कर रहे हैं। अगर आप चिड़ियों के लिए खाना रखते हैं, अगर आप बर्ड्स के लिए खाना रखते हैं तो, और अगर आप डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाते हैं, तो आपका केतु मजबूत होता है। ठीक है, केतु आपका बहुत मजबूत होता है। और अगर आप लोग बहुत ज्यादा नेचर के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो आपके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज खत्म होते हैं। मतलब आपके जो ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड होते हैं। वो मैं किसी वीडियो में बताऊंगी अपने दूसरे वाले चैनल पर। फिलहाल इस पर आते हैं। तो आप किसी भी तरीके की अगर सर्विस नहीं दे रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं दे रहे हैं, तो आप एनिमल्स को तो दे ही सकते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रीट कैट्स और जो बर्ड्स होती हैं। तो यहां पर आप वैसी ही ऊर्जा को मैनिफेस्ट करेंगे, वैसी ही एनर्जी को वेलकम करेंगे। वो सारी एनर्जीज आपके लिए मिरेकल लेकर आएंगी। ठीक है, वो गुड कर्मा को क्रिएट करेंगी, गुड फॉर्च्यून को क्रिएट करेंगी। ओके, यहां पर गिल्ट है और सेल्फ वर्थ। सो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स अगर अभी तक अपने आप को वर्दी नहीं समझ रहे थे, या फिर उनको लग रहा था कि मैंने आज तक क्या ही किया है, कुछ नहीं किया मैंने अपनी लाइफ में, किसी काम का नहीं हूं मैं,
इस गिल्ट से आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको अभी तक ये लगा है कि मैंने कभी कोई ढंग का काम नहीं किया या फिर मेरी लाइफ में मैंने अभी तक कुछ भी अचीव नहीं किया और सिर्फ आपने गिल्ट ही देखा है, लोगों ने आपको ये बोला है तुम इस लायक नहीं हो, तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे वो नहीं होगा, और आपको हर बात का सिर्फ गिल्ट हुआ है कि मैंने कभी कुछ अच्छा नहीं किया, सब बुरा ही बुरा हुआ है मेरे साथ या मैंने सब बुरा ही किया है, तो यहां पर आप कि आपको यूनिवर्स सेल्फ वर्थ दे रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर ये रियलाइज करने वाले हो कि नहीं, आप वर्थी हो, आप यहाँ पर कुछ अच्छे कामों को करने के लिए आए हो और आप कुछ अच्छे कामों को कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए, अगेन मैं वही बोलूंगी कि आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है आपका करियर, जैसे वो नीचे सन कार्ड था, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग करियर में न्यू बिगिनिंग करेंगे, कुछ अच्छा वो अपनी लाइफ में डेफिनेटली अचीव करने वाले हैं। ठीक है, और इस हफ्ते में वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा वर्दी महसूस करने वाले हैं कि मेरी भी वर्थ है, मैं भी कुछ हूं, मैंने भी कुछ कमाया है, मैं भी कुछ कर सकता हूं या कर सकती हूँ। राइट, यहां पर कार्ड है वर्कहोलिक और रिन्यूअल, सो डेफिनेटली आप जो भी काम वाम कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में और अच्छी ऊर्जा को मैनिफेस्ट कर रहा है। यहाँ पर रिन्यूअल कार्ड दिखाता है कि आपकी लाइफ में कॉन्टिन्यूसली आपको, आप यू नो, एक स्टेप आगे जा रहे हैं और न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो आप बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको शायद नहीं पता, हर दिन आपकी सोल की ग्रोथ होती जा रही है, आप अंदर से हील होते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर रिन्यूअल कार्ड दिखा रहा है कि एक समय आएगा जब आप पूरी तरीके से हील हो जाएंगे तो आपका ऑरा शाइन करेगा, इतने सारे लोग आपसे आकर आकर्षित होंगे कि आप खुद सोचेंगे कि ये मेरी तरफ इस तरीके से क्यों आ रहे हैं बात करने के लिए, बिकॉज आप अंदर से हील हो रहे हैं तो आपकी जो एनर्जीज हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रही हैं और ये आपको आप शाइन करने वाले हो आने वाले समय में। ठीक है, बहुत सारे लोग शाइन अभी भी कर रहे हो सकते हैं। परसिवेरेंस का कार्ड है, सो मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से एंजल्स आपको चला रहे थे, वो आपको बता रहे थे कि आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, वो आपको बता रहे थे कि आपको टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया है। लेकिन यहां पर इस हफ्ते में तो मुझे आप जॉय की एनर्जी में दिख रहे हो, क्योंकि अपना आप इतने बैलेंस हो चुके हो, अगेन वही कार्ड है बैलेंस का, इतने बैलेंस आप इस हफ्ते में दिखाई देते हो कि आपको ना अब मतलब खुशियां आप अट्रैक्ट करोगे, बिकॉज आप खुशी की एनर्जी को यहां पर मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप खुश रहना चाहते हो तो डेफिनेटली आप खुशियों को अट्रैक्ट भी करोगे। यहाँ पर कार्ड है डेस्टिनी और अबंडेंस, तो डेफिनेटली जब एनर्जीज पॉजिटिव होती हैं, जब आप खुद पॉजिटिव हैं, जब हर चीज पॉजिटिव है, तो गुड फॉर्च्यून ही आएगा गाइस, तो आपका डेस्टाइन पार्टनर भी मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब 5D में सारी चीजें लग गई हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरा खाना तैयार है। ठीक है, सिर्फ खाने की देरी है, तो मतलब 5D में सब कुछ सेट है, 3D में आकर आपको इंजॉय करने की देरी है बस, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। अबंडेंस सेल्फ वर्थ है आपके पास, आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं, अबंडेंस आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो ये इस हफ्ते में मुझे बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव एनर्जीज आपकी दिखाई दे रही है। जो लोग भी अभी भी विक्टिम बने हुए हैं या उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में सब कुछ बेकार हुआ है, उनको धोखा मिला है, चीटिंग मिली है, जो अभी भी अपने आप को विक्टिम समझ रहे हैं, विक्टिम मेंटालिटी में है, निकलो गाइस, जितना जल्दी हो सके निकलो। ठीक है, जितना जल्दी हो सके इस एनर्जी से निकलो, ये एनर्जी आपको इसी तरीके के लोगों के साथ मिलवाएगी, और जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतनी ही ज्यादा आप अच्छे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, जैसी ऊर्जा में होंगे वैसी ही ऊर्जा आपके जिंदगी का हिस्सा बनेगी। आपके लिए कार्ड है केयरिंग कनेक्शन, विमेन होल्डिंग अ हार्ट, स्ट्रैटेजी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, डोर टू वैल्यू। गाइस बहुत पैसा कमा रहे हो आप लोग, बहुत रीडिंग में आ रहा है मुझे ना, आप पार्टी दो अब। यहां पर है रेस्ट एंड रेजुविनेशन, यिन और यांग, एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। यहां पर है फिफ्थ चक्र आर के एंजल गैब्रियल। देखिए यहां पर कार्ड्स क्या आए हैं, सबसे बड़ी बात है गाइस कि आपका जो केयरिंग कनेक्शन है वो मैनिफेस्ट हो रहा है, जैसे मैंने कहा आपके डेस्टाइन पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहे हैं, तो आपका केयरिंग कनेक्शन यहाँ मैनिफेस्ट हो रहा है विथ डोर टू वैल्यू। अब डोर टू वैल्यू क्या दिखा रहा है, यहाँ पर डोर टू वैल्यू दिखा रहा है गाइस के आप लोग
अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, वही कार्ड था ना अबंडेंस का, मनी का, क्योंकि सेल्फ वर्थ आ रहा है, पैसा तो आएगा ही गाइस। काम तो कर रहे हो, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस बहुत तेजी से चल रहा है, ऑनलाइन कुछ कर रहे हो तो वो तेजी से दौड़ेगा अब, तो मतलब पैसा तो आ रहा है आपके पास, ठीक है। इस हफ्ते में हो सकता है कुछ लोगों के लिए नई जॉब लग जाए उनकी, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूशन में आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाए। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड रेस्ट एंड रिजर्वेशन, मुझे ऐसा लगता है कि जिस इंसान के लिए आप दिल लेकर बैठे हो और इतना इनर वर्क कर रहे हो, वो चीजें भी यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है यूनिवर्स के थ्रू कि आपको आपके पार्टनर के साथ यूनियन में लेकर कैसे आना है, इस चीज की प्लानिंग स्ट्रैटेजी यूनिवर्स ही बना रहे हैं इस हफ्ते में आपके लिए। ऑल्सो कार्ड है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का, सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो भी फाइनेंशियल इशू थे वो खत्म हो जाएंगे इस हफ्ते में काफी हद तक, और आप बहुत ही ज्यादा पावर में नजर आते हो, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो ओवरऑल एनर्जीज बताऊं इस हफ्ते की, फंटास्टिक एनर्जी है यहाँ पर, कोई भी वार्निंग साइन नहीं है, बहुत ही क्लेम करने लायक एनर्जीज है। मैनिफेस्ट करिए इस वीडियो को, सॉरी इस रीडिंग को, और जो भी इस रीडिंग में आया हो सारी चीजों को मैनिफेस्ट करिए। यहाँ पर आर्किंजल गैब्रियल है तो ये आपका थ्रॉट चक्र ओपन कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप कम्युनिकेट करें, बात करें, तो बातचीत होने वाली है बहुत जल्दी आपकी किसी के साथ, सो ये चीज यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रही है इस हफ्ते में। कोई मिरेकल होने वाला है, मिरेकल, सेल्फ वर्थ, अबंडेंस, क्या बात है। यहाँ पर मैं बोल ही रही थी किसी से बातचीत होने वाली है, ठीक है। देखिए ऐसा है कि आपकी बातचीत उसी इंसान के साथ होने वाली है जिसने आपका हार्ट ब्रेक करके रखा है, जो आपका केयरिंग कनेक्शन है, और जिससे आपकी बहुत सारी बातें छुपी हुई थी और जिसके लिए आप हमेशा ओवर थिंकिंग करते रहते हो, उसी के साथ आपकी बातचीत होने वाली है। ओके, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है लवर्स कार्ड, 7 ऑफ कप्स। एस ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम से फूल, यहां फिर से न्यू बिगनिंग और 10 ऑफ कप्स। इस हफ्ते में गाइज आपको कोई शादी का प्रपोजल आ सकता है, आपकी हैप्पी फैमिली बनते हुए नजर आ रही है, वह 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, ठीक है। शादी हो सकती है, कुछ लोगों की शादी ठीक हो सकती है, ठीक है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। दूसरा, मुझे लगता है कि आप जिस भी पार्टनर के साथ डील कर रहे हो वो आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं इस हफ्ते में, बिकॉज नाइट ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ वैंड्स है, एक्शन होने वाला है इस हफ्ते में डेफिनेटली आपके लाइफ में, आपकी लव लाइफ में स्ट्रांगली नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर कार्ड्स लव लाइफ से रिगार्डिंग आए हैं। बहुत लंबे टाइम से अगर आप कंफ्यूजन में थे अपने पार्टनर को लेके कि कौन आपका रियल पार्टनर है, कौन आपका सच में ट्रू लवर है, वो कंफ्यूजन भी इस हफ्ते में आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि आप डेस्टाइन पार्टनर को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। और मैंने जैसे बताया कि डेविल का अंत हो रहा है, तो कोई नेगेटिव अगर आपकी लाइफ में है तो निकल जाएगा। यहां पर कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे लगता है कि आप एक क्लियर कम्युनिकेशन करने वाले हो इस हफ्ते में किसी के साथ, ठीक है। और ओवरऑल आपका माइंड बॉडी सोल मुझे अलाइनमेंट में नजर आ रहा है इस हफ्ते में, ठीक है। सो काफी अच्छी एनर्जी से, यहाँ भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है, यहाँ भी हैप्पी फैमिली का कार्ड है आपके 10 ऑफ कप्स, तो मुझे ओवरऑल आपकी खुशियां आते हुए नजर आ रही है, क्योंकि सेल्फ वर्थ आ गया, जॉब आ गई, अबंडेंस आ गया, मिरेकल आ गया, पीस आ गया, केयरिंग कनेक्शन आ गया, हैप्पी फैमिली आ गई, ठीक है, और सब कुछ तो मिल गया, स्ट्रेंथ आ गई, सब कुछ है इस हफ्ते में। तो काफी सारे लोगों की लाइफ में मुझे लगता है कि वास्तव में गुड लक स्टार्ट हो रहा है उनकी लाइफ में, व्हील ऑफ फॉर्च्यून उनके फेवर में आ रहा है। रीडिंग को मैनिफेस्ट करें गाइस इस हफ्ते में, आप लोगों की एनर्जीज बहुत अच्छी रहने वाली है, वेल डन, इसी तरीके से काम करते रहिए और अपने आप को बैलेंस करते रहिए इनर वर्क करके, ठीक है। और जितना आप अच्छे से इनर वर्क करेंगे उतने ही अच्छे मिरेकल्स को आप अट्रैक्ट करेंगे, ओके। सो डियर, ये है आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू गाइज।